नमस्कार, जन की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। आज का मुद्दा है कोरोना, क्योंकि कोरोना पर लगातार बात हो रही है, क्योंकि कोरोना 2.0 देश में त्राही माम मचा रहा है। हर ओर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो या फिर सड़कों पर। सड़कों पर इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के डर से, कर्फ्यू के डर से लोग पलायन कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। उन्हें डर है कि अभी तो इतने मामले आ रहे हैं, जिस तरह की अफवाहें हैं कि पीक 5 लाख से ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, तब उनकी हालत खराब हो जाएगी। अगर बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो 2,50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और मौतें भी काफी ज्यादा हुई हैं, जो कि आंकड़ा 1,000 से ज्यादा का है और लगातार ये आंकड़ा बीते एक हफ्ते से हम देख रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारें सख्ताई दिखा रही है। कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन है, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू है, कई जगह पर 6 दिन के लॉकडाउन है। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन इसी बीच उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना काबू में आ पाएगा, क्या लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, क्या लॉकडाउन से जो मरीज लगातार मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब से कल जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये अनाउंस किया कि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन लगने वाला है दिल्ली में, तो एक भारी भीड़, यानी कि पारुल मैं कहूं कि जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतर पड़ा, चाहे वो आनंद विहार हो, चाहे वो दिल्ली की सड़कें हो। हर ओर मजदूर जो है हाथों में अपने बच्चों का हाथ पकड़े और सर पर थैला पकड़े, बैग पकड़े, भारी भरकम संख्या में निकलते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया ग्राउंड जीरो पर, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ रह तो लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने कह तो दिया है कि मजदूर कहीं ना जाए, लेकिन अगर आगे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो हमारे मकान मालिक हमसे भाड़ा जरूर लेंगे, हम भाड़ा कहां से देंगे। ऐसे तमाम सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं। ये एक नेगेटिव तस्वीर है। इसके अलावा पॉजिटिव तस्वीरें ये हैं कि एक से एक तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो आम जनता हो या फिर हम आप जैसे यंगस्टर्स हो। क्योंकि पारुल लगातार मैं देखूं तो सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्टर्स, ऐसे पोस्ट लगातार लोग डाल रहे हैं जिससे ये जानकारी मिल सके कि ऑक्सीजन कहाँ है, कहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इससे पारुल हम एक चीज समझ सकते हैं कि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। एक तरफ हमें जिम्मेदार रहना सिखाया है, दूसरी तरफ दूसरों की मदद करना सिखाया है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव तो हम देख ही रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। बिल्कुल काजोल, और इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से पिछले काफी दिनों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कह रहे थे कि हालात जो है वो इतने खराब नहीं हुए हैं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम ये समझ लेना चाहिए हमें कि कोरोना जितना खतरा है उसका जो एकमात्र समाधान है वो लॉकडाउन ही है। क्योंकि देखिए राज्य सरकारें कह तो रही हैं कि लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा, समाधान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही काम आएगा। बिल्कुल, और पारुल आप अपनी बात पूरी कर रहे हो, उसके बीच एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया है कि उन्होंने पहले कहा कि नहीं लॉकडाउन कोई एक विकल्प नहीं है, लेकिन विकल्प इसलिए बन गया पारुल क्योंकि इससे साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो स्प्रेड तेजी के साथ बढ़ रहा है उसमें कमी आ जाए, चेन तोड़ने के बिल्कुल लिए। पर लेकिन काजोल कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि रात को 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, देखिए कितनी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर फिर सड़कों पर आ गए। हालांकि देखिए पिछले काफी दिनों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, चाहे फिर वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, यूपी हो, हर जगह से प्रवासी मजदूर ऐसी स्थिति में अब अपने अपने घर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरह से जैसे ही सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में अब 6 दिन का लॉकडाउन लगाने वाले हैं, तो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा फर्क जो है वो प्रवासी मजदूरों को ही पड़ा और भारी संख्या में पिछले काफी दिनों से प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर नहीं दिखी थी। लेकिन जितनी जो तस्वीर, जो भयावह तस्वीर सामने आई थी, जो हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो है वो सड़कों पर आए थे, उससे कहीं ना कहीं कोरोना के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि काजोल देखिए मैं खुद भी अभी कुछ दिन पहले ग्राउंड जीरो पर गई थी, आनंद विहार बस अड्डे पर गई थी, वहां पर देखिए ना तो लोगों के मुंह पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज। और इससे ये पता चलता है पारुल के लोगों में कोरोना का डर तो है ही, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके सामने कोरोना से ज्यादा पेट पालने की समस्या है। और काजोल उन्हें कोरोना का डर नहीं है इतना, वो साफ तौर पर यही कहते हैं हमें कोरोना से इतना डर नहीं लगता, हमें भूखे मर जाने से और या फिर दिल्ली में बंद हो जाने से
डर है कि हम किस तरह से अपने घर पे जाएंगे, और सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि जिस तरह से पिछले साल कई हजार किलोमीटर हम पैदल पैदल तपती धूप में अपने अपने घर गए थे, फिर से हम वो नौबत नहीं आने देना चाहते, और इसीलिए उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भरोसा भी नहीं किया, विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि कल जिस तरह से केजरीवाल ने हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से अपील की थी कि कहीं मत जाइएगा, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, दिल्ली में ही रहिएगा। बिल्कुल सर, और सरकारों पर से तो पारुल भरोसा कहीं ना कहीं आम जनता का उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि इस टाइम पर देखिए हम राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, लोगों में एक तबका ये कहता है कि सरकार सिस्टमैटिकली सारी चीजें अच्छी कर रही है, लेकिन एक तबका ये कहता है कि सरकार रैलियां कर रही है, रैलियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को हम कंटिन्यू करें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट फटाफट आपको दे देती हूं कि झारखंड में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है और एक हफ्ते का लॉकडाउन है, एक हफ्ते तक वहां पर लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा यूपी में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू, जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इसके अलावा राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और ट्वीट किया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गई हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। इसके अलावा तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं और चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता, लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ तस्वीरें अच्छी आ रही हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो वाकई आंखें नम कर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस बीमारी ने भारत का क्या हाल कर दिया है। लेकिन भारत को टूटना नहीं है, भारत लगातार मजबूत होकर उभरेगा। जरूरत है तो हमें सावधान रहने की, जो भी प्रोटोकॉल है उनका पालन करें। देखिए अगर सरकार नहीं आपका आपको देख रही है या आपके लिए कुछ नहीं कर रही है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप आम नागरिक है देश के, और देश जितना सरकार का है उतना ही आपका भी है, आपसे सरकार है, इसीलिए आप अपनी सावधानी खुद अपने हाथों में रखिए। कल पारुल जिस तरह से तस्वीर सामने आई थी, एक वीडियो सामने आया था, वाकई उस वीडियो ने बहुत परेशान कर दिया कि एक महिला जो कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बता रही है, वो महिला गाड़ी के अंदर बिना मास्क के अपने पति के साथ बैठी हुई थी। दिल्ली के अगर रूल की मैं बात करूं कोरोना प्रोटोकॉल्स की, तो अगर अकेली भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। आपने मास्क नहीं लगाया उसके बाद आप दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कहलाई थी 2020 में, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छी अच्छी चीजें की थी, लोगों में खाना बांटना, लोगों की मदद करना, मास्क बांटना, जूते चप्पल बांटना। ऐसे में उन पुलिसकर्मियों से जो अपनी जान पर खेल कर आप लोगों को आगाह कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं, सुरक्षित घर पहुंचा रहे हैं, उन लोगों से आप अभद्रता कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं परेशान कर देती है कि लोग आखिर इतना पढ़ लिख कर भी क्यों इस तरह का व्यवहार करते हैं। बिल्कुल काजोल, कहीं ना कहीं ये तस्वीर इसलिए सामने आई क्योंकि लोगों के मन में गुस्सा इस बात को लेकर है कि हम अपनी गाड़ी में 2 लोग ही हैं और सरकार जो है बंगाल में जाकर इतनी हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा कर रैलियां कर रही है, और उसके बाद अगर दिल्ली में हम अपनी गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग हैं तो हम मास्क क्यों लगाए, वहां बंगाल में क्या रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, वहां नियम कायदे कानून नहीं है, वहां के लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा कि आप नियमों को मानिए, नियमों को फॉलो करिए, क्यों फिर दिल्ली में ही कहा जा रहा है। यही गुस्सा है और यही गुस्सा दिखा है काजोल। और लेकिन अगर इस चीज को हम समझे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जिस तरह से उस लेडी ने सोचा उसके सोचने का तरीका सही था, लेकिन उसने जो किया वो गलत था। देखिए आप ये कह रही हैं कि बंगाल में रैलियां हो रही हैं, वहां पर मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, हजारों की संख्या में रैलियां में लोग उमड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले खुद को सही रखे तभी हम दूसरों को सही रख सकते हैं। अगर सरकार नहीं सोच रही है आपके बारे में तो आप अपने बारे में खुद तो सोच सकते हैं। एक पॉजिटिव जो चीजें हैं ना वो सामने आनी चाहिए, इससे आप अपने आप को नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो हम लगातार अपील करते हैं कि इस तरह की चीजें मत करिए, अगर आपसे कहा जा रहा है कि रूल को फॉलो करिए तो जरूर करिए, क्योंकि हमें इस चेन को ब्रेक करना है, ब्रेक करना भी है। जो पुलिसकर्मी आपको बार बार टोकते हैं, जुर्माना आपका काटते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनके उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, सरकार की तरफ से ऐसे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, उनका कोई पर्सनल वो किसी से ग्रज नहीं है कि वो आपको आप चलती सड़क पर जा रहे हैं और आपको रोक दिया, अचानक से आपको चालान काट दिया, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए जब तक आप नियम कायदे कानून नहीं फॉलो करेंगे तो ये कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो कम नहीं होंगे, और ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि आज जो है स्थिति इतनी देश में खराब हो गई है। और यकीन मानिए कोरोना की ये जो दूसरी लहर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल जिन लोगों ने इस कोरोना को हल्के में लिया था वो लोग भी इस बार
बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की भी जरूरत है क्योंकि ये कोरोना का नया स्ट्रेन और ये कोरोना की नई लहर जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए इससे सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। देखिए अगर मैं पिछले वाले कोरोना की बात करूं तो उस कोरोना में अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं काजोल तो उससे आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको पॉजिटिव होने में, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है अगर आप किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आएंगे 1 मिनट नहीं लगेगा आपको पॉजिटिव होने में। बिल्कुल, और कुछ और तथ्य और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो संक्रमण है वो हवा में भी फैला हुआ है, तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और मेरी सहयोगी लगातार जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं आशा करती हूँ कि आप उस चीज को समझ रहे होंगे। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी, हालांकि आप लोगों तक पहुंच गई होगी, आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तमाम चैनल्स देखते हैं, मीडिया चैनल्स, 18 साल से जो ज्यादा के लोग हैं यानी कि जो युवा हैं उनको 1 तारीख से यानी कि 1 मई से कोरोना की वैक्सीन लगेगी। मैं आशा करती हूँ और आप लोगों से अपील करती हूँ कि भारी संख्या में आप जाइए, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करिए और वैक्सीन जरूर लगवाइए क्योंकि वैक्सीन एक पहली कड़ी है, इसको ब्रेक करने की जरूरी है और ये बहुत ज्यादा, और ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो ये सोच रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवाने से हमें कुछ नहीं होगा या फिर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे हम तो ठीक है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, वैक्सीन आपको लगवानी है चाहे आपको कोरोना पहले हुआ हो या नहीं हुआ हो, वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सरकार भी बार बार लोगों को इसीलिए जागरूक कर रही है कि वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ लोग मेरी बात उनका ये कहेंगे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं तो ऐसा हो सकता है, देखिए इस बात की कहीं मनाही नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप संक्रमित नहीं हो सकते, लेकिन आपको सावधानी तब भी बरतनी होगी, अगर आपने वैक्सीन लगवानी है तो लगवा ली है तो आपको सावधानी जो है वो उतनी ही बरतनी होगी, आप ऐसे नहीं घूम सकते कि अब आपने वैक्सीन लगवा ली तो अब आपको कोरोना कुछ नहीं कह पाएगा या कुछ नहीं कर सकता या संक्रमित आप नहीं हो पाएंगे, सावधानी जो है वो आपको लगातार बरतनी है। और इसीलिए देखिए अब जिस से कोरोना की दूसरी लहर बढ़ रही है, मामले जितने तेजी से सामने आ रहे हैं, इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 मई से अब 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी क्योंकि देखिए जितने जल्दी जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी कोरोना का खतरा उतना ही कम होता जाएगा। और अभी तक वैक्सीनेशन में देखिए कई चरण चल रहे थे, फेजेस चल रहे थे, उसमें एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीन लग रही थी और सबसे ज्यादा जो दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो युवा ही हो रहे हैं, इसीलिए ये भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 1 मई से अब 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। बिल्कुल, और लगातार हम ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन तो लगवाइए लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले पैनिक मत होइए। देखिए आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अगर किसी की मदद करनी है तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से आप मदद जरूर करिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धैर्य रखने की जरूरत है, जब तक कोरोना का पीक ये चलता रहेगा तब तक हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है, इस चेन को तोड़ना है। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि इस चेन को तोड़िए, इस चेन को जैसे ही हम तोड़ देंगे ना वैसे ही मामले कम आने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार हमने देखा था 2020 में कि एकदम से मामले बहुत ज्यादा आए थे पारुल, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन लगा तो मामले कम हो गए। पूर्ण लॉकडाउन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, देखिए पिछले साल से हम उबर नहीं पाए हैं, एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा तो लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि अभी से ही लोग डर रहे हैं, तो इसी वजह से ये कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लॉकडाउन और छोटे छोटे नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं ताकि भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके और स्प्रेड को रोका जा सके। एक बार स्प्रेड कंट्रोल में आ जाए अपने आप मामले कम हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हमें सावधान रहना है। देखिए जो भी आपको जानकारी दी जा रही है उसको समझिए सुनिए तब आगे बढ़िए, बेवजह बाहर मत निकलिए। बिल्कुल, और काजोल आप पैनिक वाली लोगों से कह रही हैं, अपील कर रही हैं कि पैनिक ना हो, और इसीलिए ये भी हम अपील करते हैं कि देखिए जहां पे सरकार सख्त नियम बना रही है या लॉकडाउन भी लगा रही है किसी भी राज्य में तो आप पैनिक होकर दुकानों पर भीड़ मत लगाइए क्योंकि काजोल कल की तस्वीरें ऐसी तस्वीरें आ रही है कि अगर सरकार कई नियम बना देती है, नाइट कर्फ्यू लगा देती है, वीकेंड लॉकडाउन लगा देती है, लॉकडाउन लगा देती है तो दुकानों पर भीड़ जो है वो पहुंच जाती है, तो देखिए ऐसा नहीं है, भले ही लॉकडाउन भी लगा हुआ है और लॉकडाउन या फिर लगेगा तो देखिए जरूरी चीजों वाली दुकानें जो हैं वो लगातार खुली रहेंगी, स्थिति जो है वो ऐसी रहेगी जैसे पिछले साल थी कि आपकी दूध हो गई या राशन की दुकान हो गई वो हमेशा खुली रहेंगी, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, इसलिए इतना पैनिक मत होइए ना दूसरों को कीजिए कि दुकानों पर जाकर भीड़ लग जाए और भीड़ आप लोग लगा दें और संक्रमण जो है वो फैलने के चांसेस लगातार और ज्यादा बढ़ जाए। तो देखिए कोरोना को लेकर जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।